हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, रेडमी नोट 11 सीरीज के इंडिया वाले वेरिएंट का हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर रेडमी इंडिया ने रेडमी नोट 11s स्मार्टफोन के जो है फर्स्ट लुक, आप बोल सकते हो बेसिकली टीजर डाले थे कि भाई ये फोन कमिंग सून है एंड ये रहने वाला है नोट 11s। तो स्मार्टफोन के आज आप बोल सकते हो यहाँ पर फर्स्ट लुक यहाँ पर रिवील्ड हो चुका है, एज वेल एज कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह भी कन्फर्म हो चुके हैं, कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है। सारी चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको देने वाला, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई रेडमी नोट 11s स्मार्टफोन जो है इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो रेडमी वाले ने हिंट तो दिए कमिंग सून है, लेकिन लॉन्च डेट के बारे में बताए नहीं है। लेकिन लीक्स के अगर माने तो बताया जा रहा है आपका 20 से 25 जनवरी के बीच में यहाँ पर यह स्मार्टफोन आपको इंडिया मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आपको स्पेसिफिकेशन एंड फर्स्ट लुक वगैरह यहाँ पर लीक हो चुके हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फर्स्ट लुक की। तो Xiaomi UI करके आप बोल सकते हो एक यहाँ पर वेबसाइट है, उन्होंने यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लुक बताया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पंच होल देखने को मिल रहा है। कैमरा लेआउट अगर आप देखोगे, बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है एंड डिजाइन अगर आप मैच करोगे तो जो Xiaomi 11i स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है उसी की तरह आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है। वही बॉक्सी टाइप का डिजाइन है, पर्पल कलर में यहां पर आपको फर्स्ट लुक देखने को मिल रहा है। वैसे आपको यहां पर यह स्मार्टफोन का डिजाइन कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। इसके अलावा यहां पर इसके कैमरा हार्डवेयर वगैरह की भी सारी चीजें यहां पर लीक हो गया है, बताया जा रहा है यह बार आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। यह तो ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सेकेंडरी कैमरा रहेगा वो आपका 8 मेगापिक्सल का रहेगा, देन 2-2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहां पर वही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट, सारी चीजें देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन पे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जनरली Xiaomi वाले जो है ये कैटेगरी में 60 हर्ट्ज का AMOLED दे रहे थे, लेकिन 90 हर्ट्ज का AMOLED दे रहे, काफी बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर कंफर्म है 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड बताया जा रहा है अगेन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर डिवाइस सपोर्ट करेगा, एंड बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा वही MIUI वगैरह पे यहां पर ये रन करेगा। बाकी की सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिलेगी, 6GB रैम, 8GB रैम, अलग अलग यहां पर आपको कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। सिर्फ एक चीज अभी आप बोल सकते हो रूमर्स है, अभी फिलहाल के लिए कंफर्म या लीक नहीं हुई है, वो है यहां पर इसके प्रोसेसर को लेके। दो पॉसिबिलिटीज यहां पर बताई जा रही है, तो यहां पर आपको Dimensity 810 वाला 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, या तो Redmi Note 10s जैसे यहां पर आपको MediaTek का Helio G95 वाला चिपसेट मिल सकता है। तो ये दोनों में से एक चिपसेट बताया जा रहा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये सारी कंप्लीट डिटेल यहां पर अपकमिंग Redmi Note 11s स्मार्टफोन की लीक्स एंड रूमर के बेस पर आई थी। मैं सोचा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। प्राइस पॉइंट का अगर आप वेट कर रहे हो तो पकड़ के चलो ये 15,000 से 18,000 रुपए के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी यहां पर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है यहां पर Redmi Note 11 स्मार्टफोन को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।